आगे बढ़ेंगे, राजधानी भोपाल की बात करेंगे। राजधानी में पेट्रोल की किल्लत सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं यानी सूख चुके हैं। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि पूरे शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेल कंपनियों ने 40% सप्लाई घटा दी है, इससे पेट्रोल डीजल का संकट राजधानी भोपाल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसकी चेतावनी भी दी है। और इसके बाद अब किल्लत का सामना जनता को करना पड़ सकता है, ग्राहकों को करना पड़ सकता है। राजधानी में पेट्रोल की किल्लत सामने आ रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही राजधानी भोपाल से। 10 से ज्यादा पेट्रोल पंप है राजधानी भोपाल के, जो ड्राई हो चुके हैं, जो सूख चुके हैं, यहाँ पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से। 10 से ज्यादा अलग अलग पेट्रोल पंप जो ड्राई हो चुके हैं, यहाँ पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। पूरे शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ये जानकारी दी है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने। इस बात का दावा किया कि राजधानी में पेट्रोल की किल्लत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में ग्राहकों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले एक सप्ताह में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके बाद मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 10 पेट्रोल पंप सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। ये बड़ी जानकारी उन ग्राहकों के लिए, उन लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जिनका पेट्रोल डीजल जो है जिन्हें रोज आवश्यकता पड़ती है। चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे अमृतांशी का। अमृतांशी, पेट्रोल डीजल की किल्लत राजधानी भोपाल में, तस्वीर क्या कुछ देखने को मिली आज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल और राजधानी भोपाल के आसपास के इलाकों में पेट्रोल और डीजल की कमी यहां देखने के लिए मिल रही है। तो राजधानी से सटे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। हालांकि अगर हम मेन सिटी की बात करें तो अभी राजधानी भोपाल के मेन सिटी की पेट्रोल पंप में फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, लेकिन सीमावर्ती जो इलाके हैं, सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं, वहां पर पेट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और पेट्रोल और डीजल का सप्लाई वहां पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी इस किल्लत को लेकर वहाँ पर पत्र लिखा है मुख्य सचिव को। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो किल्लत है वो राजधानी भोपाल में तो अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में किल्लत देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ पर जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्या राजधानी भोपाल में भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी किल्लत? हो सकता है मैम, पूरी सप्लाई बंद हो गई है, यहाँ पर कोई किल्लत है फिलहाल? अभी तो कोई किल्लत नहीं है, आने वाले समय में कोई किल्लत हो सकती है। अभी कोई असर पड़ा है आप जो सप्लाई मिल रहे हैं? ये तो ये बताएंगे सप्लाई वाले। ठीक है, देखिए सप्लाई वाले लोग हैं। सर, कोई किल्लत दिख रही है आसपास के क्षेत्र में भोपाल के, तो यहाँ पर राजधानी भोपाल में कोई सप्लाई पर असर पड़ा है पेट्रोल डीजल की? नहीं नहीं, आने वाले समय में कोई असर हो सकता है? पता नहीं। देखिए यहाँ पर अभी है, यहाँ पर जो हम पेन सिटी की बात करें, यहाँ पर फिलहाल कोई किल्लत नहीं, लेकिन आसपास से सटे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के सप्लाई में 40% तक की गिरावट आई है। लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। कल News24 ने मुद्दे को उठाया भी था और हमने कल देखा कि पूरी तरीके से किल्लत का सामना यहाँ पर कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है राजधानी आसपास के जो लोग हैं उनको। देखिए अभी राजधानी में तो फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में कोई किल्लत हुई तो यहाँ पर खासा परेशानी आम आदमी को उठाती नजर आएगी। और साथ ही चुनावी मौसम जो आ रहा है और बुआई का भी समय है, बुआनी का समय है, तो इसको लेकर किसानों को बताने के लिए, बातचीत करने के लिए